सब लोग। अच्छा कितने लोगों ने YouTube सब हाथ नीचे करो, कितने लोगों ने YouTube में नहीं सुना कभी, देखा नहीं? अच्छा काफी सारे ऐसे भी हैं। चलो दोस्तों, तो पहले आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। नाम अक्षी है, मोदी के बिजनेस को 8 सालों से कर रही हूँ। बिल्कुल सही कहा मेरी मम्मी ने कि वो स्कूल पढ़ाने जाती थी, फिर वो ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर वो पेंट गेस्ट हमारे घर में ऊपर थे, उनके खाने वाने की तैयारी करती थी, सुबह से लेकर रात तक मशीन बनी रहती थी। मेरे पिताजी एक प्राइवेट नौकरी करते थे, सुबह जाते थे रात को आते थे, बाइक पे जाते थे, धूल मिट्टी में सने, शाम को घर आते किसी से बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि जॉब पे निचोड़ लिया जाता है। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। जब हमारी लाइफ में मोदी के नहीं आया था तो हम 60 गज के घर में रहते थे, जब हमारी लाइफ में मोदी के नहीं आया था तो पापा बाइक से जाया करते थे। हालांकि मम्मी पापा ने मेहनत से 4 लाख की गाड़ी भी ले ली थी, लेकिन हर कोई सोचता है कि बाइक पे चले जाए क्यों तेल खर्च करना। तो वो वाली जिंदगी थी, कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी चल रही थी। मेरी मम्मी सब्जी मंडी तक जाती थी तो 5 रुपए 10 रुपए बचाती थी और सब्जी खरीद के लाती थी, भारी भारी आलू प्याज उठा के मंडी से घर तक लाती थी और घर आके ऐसे हाथ दबाती थी। मैंने बोला 10 रुपए का रिक्शा कर लेती, कहती बोलो तुम फ्रूट खाते हो ना, वो नहीं खा पाओगे रोज, मैं रिक्शा करूंगी। तो पैदल उठाकर सब्जी मंडी से सब्जी लाती थी। देखा मैंने अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते तो मुझे लगा मुझे भी बचत करनी चाहिए। मैं भी कॉलेज से जब आती थी तो बहुत बहुत किलोमीटर पैदल चलती थी क्योंकि देख रही थी कि मेरे माँ बाप जब बचत कर रहे हैं तो मैं भी बचत करूंगा, बचा बचा के हम कुछ बहुत बड़ा शायद कर पाए। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ऊपर पढ़ती जा रही थी एक चीज समझ में आ रही थी कि बचा बचा के तो बहुत बड़ा नहीं किया जा सकता। 19 साल की मेरी उम्र थी जब लाइफ में मोदी घर आया। पापा बोले मोदी केयर कर, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। पापा ने कहा तू कर ले बेटा मोदी केयर, मैंने कहा पापा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। तीसरी बार जब पापा ने बोला तो पापा गुस्सा से होने लगे, नाराज से होने लगे, कह रहे चल ठीक है मत कर और जाने लगे। तो मैंने कहा अच्छा सुनो कर लूंगी, क्या करना है बताओ। कह रहे आधार कार्ड लेकर मेरे साथ मोदी केयर की दुकान तक चल और हम घर का सामान लेकर आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है ले आती हूँ, बुद्धू बना लेती हूँ, मैं करूंगी थोड़ी ना, ऐसे ही चली जा तू पापा के साथ, मम्मी नहीं कर मन रखने के लिए चली जा मत करियो। तो बस पापा का मन रखने के लिए मोदी के ऑफिस तक गई और मन रखते रखते आज यहाँ तक पहुंच गई जो देखा था। जब आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज आती है ना आप जल्दी से उसे पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो मैं भी नहीं समझी थी। एक दिन अपनी सहेली के घर गई, वहां मैंने फेस वॉश यूज करके गई थी मोदी केयर का, जो कि 120 रुपए 100 रुपए का था, मेरे को उस पे लिखा था MRP 150 रुपया। तो मैंने क्या किया वो फेस वॉश उस मेरी फ्रेंड ने बोला मेरे लिए भी मंगवा देगी क्या, मैंने कहा बहन मंगवा दूंगी बिल्कुल, कह रही अच्छा चल ठीक है ले आई हो। तो मैंने उसको जाके फेस वॉश दिया, उससे 150 रुपए लिए, 100 रुपए दिए पापा को क्योंकि लागत तो पापा की थी ना, 50 रुपए रखे जेब में, बड़ा मजा आया। सोचा कि यार यूज करके जब मैंने 50 रुपए बना लिए, जब मैं सच में जाके लोगों को बताऊंगी तो कितना बिजनेस बढ़ेगा। फिर तो जोश आ गया, फिर ऐसे सेमिनार अटेंड करे, मीटिंग अटेंड करी, देखा इतना मान सम्मान, गाड़ी घर बंगला शोहरत सब चीज मिल रही है। मैंने कहा अब तो मोदी के जिंदाबाद, अब तो बेटा सब जगह जाके मोदी के कहूंगी। लोगों के पास जाना शुरू किया, जैसे ही लोगों के पास जाना शुरू किया तो क्या हुआ, एक आंटी के पास गई, दूसरी के पास गई, ठीक है किसी से मिलती बात करती। तो जब मैं पहली जगह जहाँ गई मीटिंग करने, दूसरी जगह गई, वहाँ पता क्या हुआ मेरे साथ, कोई नहीं ले लूंगा कोई क्या, हाँ वो आंटी उठ के अलमारी तक गई, उन्होंने आधार कार्ड निकाला, 10,000 रुपए निकाले और मेरे को लाके थमा दिया, ले बेटा मेरी आईडी लगा दियो और 10,000 का सामान ले आई हो, रिक्शे के पैसे भी दे दिए थे मेरे को कि रिक्शे पे भी जाएगी तो वो पैसे भी, ऐसे ही होता है ना, भगा दिया था। बोला बेटा ये सब हम करके छोड़ चुके हैं, एमवे भी आई थी, ओरिजिनल भी आई थी, टप्पर वेयर भी आया था, अवार्ड भी आया था, तू मत पड़ इन चक्रों में, जिसकी आईडी ऊपर लगी होती है ना, जो 10 साल 15 साल 20 साल से कर रहा होता है वो तो कमा लेते हैं, जो पहले पहले जुड़ते हैं, नीचे वाले तो सारे काम करते रह जाते हैं। बेटा मत पड़ इस चक्कर में, कुछ नहीं रखा सब बेकार, आ जा तेरी जॉब लगाओ, तू ना ये बिजनेस कर ले, ये ना बेवकूफ बनाने का काम है, पहले खुद बेवकूफ बनाओ फिर चार को बेवकूफ बनाओ। देख बेटा तेरे कहने पे एक बार तो कोई खरीद लेगा, दूसरी बार कोई नहीं खरीद,
खरीदेगा, तीसरी बार कोई नहीं खरीदेगा। क्यों पड़ रहे हैं चक्कर में? जिससे बात करती थी मना 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 मना, वो एक साबुन खरीद लेता था तो इतना एहसान दिखाता था जैसे उसने मुझे फतह हासिल करवा दी। साबुन लिया एक 100 रुपए वाला जिसमें 4 साबुन आते हैं 100 रुपए का, और कह रहे 50 अभी ले जा, 50 बाद में ले लो। और दौड़ में मैंने जो साबुन खरीदा था, ऐसे लोग मिलते हैं आपको भी? ¡Gracias!
उम्र है 27 साल। वाओ मोदी ने ऐसे दो गाड़ियां गिफ्ट में भेज चुकी है, 11 लाख की ब्रेजा जो मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे गिफ्ट करी, और एक और गाड़ी जो अपने आप को गिफ्ट करी मेरी ड्रीम कार थी, छोटी सी ब्लैक कलर की काले रंग की जैगुआर खुद चलाती हूं। आज मोदी ने ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ विदेश यात्राएं बिल्कुल मुफ्त में करके आ चुकी हूँ। जब मोदी के नहीं था तो घूमने जाते थे इंडिया गेट, जंतर मंतर। आज मोदी के है तो घूमने जाना पड़ता है लंदन, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, टर्की, रशिया। शादी करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड घूमने गए स्विट्जरलैंड और पेरिस, वहाँ 8 लाख रुपए खर्चा हुआ। 13 तारीख को इंडिया वापस लौटे, फोन में डाली सेव और टन टन करके मैसेज बना कि 8 लाख रुपए दोबारा आ गए आपके खाते में। तो ये पावर है दोस्तों मोदी के की, और बताना चाहूंगी कि यहाँ से बहुत सारी चीजें अचीव कर रही हूँ, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों को जोड़ा, जिनके साथ जा जाके 8 साल तक खूब मेहनत करी, उनमें से 85 गाड़ियां आ चुकी है। बड़ी बात तो ये है कि बहुत से घर बन चुके हैं, बनते जा रहे हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि मुझे ये सब मिला, मेरी 50 लाख की आई जैगुआर, और राधा आंटी जो कि मेरे पड़ोस में रहती थी वो ले आई 63 लाख की मर्सिडीज बेंज। तो दोस्तों लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है, सपने सारे पूरे होते जा रहे हैं। अभी मैं और हर्षिता दीदी जब सुबह गाड़ी में आ रहे थे तो मैंने इनसे बोला कि दीदी 6-7 साल पहले जब हमारे छोटे छोटे से चेक आते थे तो हम कितना परेशान होते थे। मैं रोती रोती जाती थी अपनी अपलाइन के पास और रोते रोते आप आते थे मेरे पास, क्योंकि इनके अपलाइन तो मैं हूँ ना। मैंने कहा लेकिन दीदी उस समय हार मान लेते, मोदी के छोड़ गए होते तो आज आगरा इस मर्सिडीज में बैठ के तो नहीं जा रहे। मैं कौन कर सकता है?
बोलो सब कर सकते हैं दोस्तों, जिसके पास गोल है, जिसके पास विजन है, जिसके पास फोकस है, वो सब इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, जैसा अपलाइन ने बोल दिया बस वैसा फॉलो कर देना। अगर अपलाइन ने बोल दिया कि 3 महीने बाद अक्षित जी, हर्षिता जी और अक्षित जी के हस्बैंड, अक्षित जी के पेरेंट्स और राधा जी, जीतू अरोड़ा जी अगर आ रहे हैं और ये हॉल में अभी से डबल लोग होने चाहिए, ये पूरी ऊपर तक कुर्सियां और यहाँ लोग बैठे होने चाहिए, बीच में इतनी भीड़ कर देना। अगर अपलाइन ने बोल दिया और आपने मान लिया तो आप कामयाब हो जाओगे। 3 महीने बाद दोबारा करते हैं ऐसा? यस। थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन अगली बार ये 3 से 4